नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष अभी अब मौजूद है सरायकेला के जूड़ी मैदान में, जहां बाराघोड़ा से चलकर भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा जो है दोनों ही उपस्थित है। यहाँ आप कार्यक्रम में देख सकते हैं हमारे आस पास जो है केवल एकमात्र जो है महिलाओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जो कार्यक्रम की शोभा जो है केवल महिलाओं ने बढ़ाई हुई है। यहाँ हम सीधे अब महिलाओं से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। दीदी, बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है तो महिलाएं इसके लिए तैयार है? तैयार है। हेमैया योजना चंपई सोरेन जी लेके आए थे और हेमंत दादा तो सिर्फ उन्होंने काम किया, लेकिन ये योजना चंपई दादा लेके आए थे और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार बने और हम लोग कमल छाप पर वोट देंगे और बीजेपी को लाएंगे। क्या इस परिवर्तन यात्रा के तहत जो है कोल्हान में चंपई सोरेन बीजेपी का झंडा गाड़ पाएंगे? जरूर गाड़ पाएंगे, जरूर गाड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए चंपई सोरेन बहुत अच्छा नेता है और हमारे बीजेपी में आके हम लोग का बहुत ही ज्यादा उत्साह बढ़ा हुआ है। हम चाहेंगे ही कि चंपई सोरेन ही जीते। चंपई सोरेन ने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया? बहुत काम किया और हम लोग चाहेंगे कि चंपई दा हम लोग का साथ है। हम लोग चंपई दा का साथ है, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग चंपई दा का साथ है। महिलाएं जो है परिवर्तन की मांग क्यों कर रही है? क्योंकि झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार है, जो हेमंत सरकार है वो केवल महिलाओं को आश्वासन दे रही है कि मैया सम्मान योजना पर अभी तक मैया सम्मान योजना लाखों महिलाओं को केवल फॉर्म भरा गया है और वो पंचायत में केवल पड़ा हुआ है, उनको कोई राशि मिली है ना, उनका बैंक अकाउंट नंबर जमा हुआ है। और जितने भी महिलाओं को केवल बोला जा रहा है, दिया तो नहीं गया है, उतना खर्चा कर रहा है मन सरकार तो उनको डायरेक्ट हाथ में दे सकता है ना। लाखों करोड़ों खर्चा कर रहा है एक एक प्रोग्राम के लिए, अरबों खर्चा करता है, नहीं दे सकता वो क्या? एक वोट का महत्व तो समझते हैं कितना है? एक वोट का महत्व तो अरबों करोड़ों से भी ज्यादा है। चंपई सोरेन ने कितना काम किया इस क्षेत्र? चंपई सोरेन को उतना वक्त ही नहीं दिया गया, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। जब वो सिटिंग चेयरमैन सिटिंग सीएम थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर उनको जैसे वो जेल से निकले उनको तुरंत से हटा दिया गया। तो वो कितना कर रहे, उन्होंने जो वादा किया था अपना वादा को भी उनको पूरा करने का समय नहीं दिया गया, कैसे करेंगे वो? क्या सरायकेला की जनता मानती है कि चंपई सोरेन का जेल में अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल उनका अपमान हुआ है। और वो बुजुर्ग वरिष्ठ नेता थे लेकिन उनका अपमान हुआ, जिसके कारण आज हमारे बीजेपी में शामिल हुए। तो हमको हम लोग को लग रहा है कि अभी हम लोग में कुछ परिवर्तन, जो परिवर्तन यात्रा आरंभ होने जा रही है हो रही है, उसमें जितने भी नेता है उसमें चंपई सोरेन जी है, अर्जुन मुंडा जी है, सांसद विद्युत बरन महतो जी है, परिवर्तन होना ही है और होगा ही, ये मैं वादा कर रही हूँ। देखिए, महिलाओं का कहना है कि चंपई सोरेन का जेबीएम में अपमान हुआ है, जिसका बदला जो है सरायकेला की महिलाएं जो है इस परिवर्तन यात्रा के तहत जो है चंपई सोरेन को इस क्षेत्र से जिताकर और इस क्षेत्र में बीजेपी का झंडा लहरा करके दिखाएंगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नर्स दवाई सब मिलेगा, तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर दवाइयाँ कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.